पारदर्शी मेढक से लेकर दुनिया के सबसे अजीबोगरीब खरगोश आज तक आपने नहीं देखा होगा। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसे जानवर के बारे में जिनके बनावट और विचित्रता देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। तो मैं हूँ आपका दोस्त रेहान और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल फैक्ट विथ यू। नंबर 1, सी लीफ ड्रैगन। यह जीव देखने में किसी समुद्री घास की तरह लगता है। इसे पहली बार ऑस्ट्रेलिया के समुद्र के किनारे खोजा गया था और यह जानवर इस बात का सबूत है कि अभी भी कई ऐसे जीव पानी में मौजूद है जो इंसानों के आँख से बहुत दूर है। इस जानवर की जिंदगी का पता केवल इनकी आंख से ही देखकर पता चलता है, अन्यथा यह पानी में तैरती हुई झाड़ी की भांति दिखाई देती है और इनकी मौजूदगी के बारे में किसी के कानो कान खबर नहीं पता है। यह दुनिया में कुछ अज्ञात प्राणी हैं जिनकी आबादी के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। नंबर 2, एंगोरा रैबिट। एंगोरा रैबिट बाकी दुनिया में पाए जाने वाले रैबिट से बहुत ही ज्यादा अलग है। ये आकार में आम खरगोश से बड़ा भी है और विशालकाय भी है। मुख्यतः यह खरगोश टर्की में पाए जाते हैं। इन्हें इनके बालों के लिए पाला जाता है। इनके बालों को किसी गुदगुदे स्वेटर को बुनने में काम लाया जा सकता है। इस रैबिट के बाल को गीले होने के बाद जब सुखाया जाता है तो इन बालों को बहुत ज्यादा घने और सुनहरे हो जाते हैं। और आप इस खरगोश को कभी पालना चाहोगे? कमेंट जरूर करना। नंबर 3, एक्सोलॉटल। कई वजहों से समुद्री दुनिया में पाए जाने वाले जानवर ये बेहद खास है और दुर्लभ ही है। ये जीव मोले सैलामेंडर की एक प्रजाति है जिनके बारे में ज्यादातर लोग ने अभी तक सुना नहीं है। यह जीव केवल मेक्सिको की एक झील में पाया जाता है और दुनिया के काफी हिस्सों में इस जीव का कोई नामो निशान नहीं है। इस जीव की बनावट बेहद विचित्र है और प्रक्रिया के दौरान बदलाव भी असफल हो जाता है, तो जिस वजह से यह जीव किसी भी छिपकली यानी सैलामेंडर की तरह प्रतीत होते हैं। इस जीव के बारे में सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि अजीबोगरीब अपने शरीर को दोबारा विकसित कर सकते हैं, जिस वजह से वैज्ञानिक का मानना है कि इस तकनीक को मनुष्य भी आने वाले समय में अंगों को रिजनरेट करने यानी वापस विकसित कर सकते हैं। नंबर 4, ग्लास फ्रॉग। यह ऐसा मेंढक है जिसके शरीर के आर पार देखा जा सकता है और इस जीव की बनावट से लेकर वैज्ञानिक भी काफी हैरान है, क्योंकि इन्होंने इससे पहले जमीन पर रहने वाले किसी ऐसे जीव को नहीं देखा था जो बिल्कुल पारदर्शी हो। ये जीव इतना पारदर्शी है कि इस मेंढक की सभी सभी अंगों को त्वचा के ऊपर से देखा जा सकता है, यहाँ तक कि आप इसके दिल की धड़कन भी देख सकते हैं। ग्लास फ्रॉग की खोज 1973 में कोस्टा रिका में हुआ था, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद इस तरह के और कई भी ग्लास फ्रॉग दुनिया में कई हिस्सों में मौजूद है। और इस जीव के बारे में एक बेहद रोचक बात है, यह भी एक केवल 1 इंच लंबे होते हैं। नंबर 5, डम्बो ऑक्टोपस। या ऑक्टोपस को डम्बो ऑक्टोपस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस जीव के पंख इसके सिर के ऊपर है। इसके ऑक्टोपस के बारे में ज्यादातर जानकारी तो नहीं है क्योंकि यह समुद्र के बेहद निचले स्तर पर रहती है। वैज्ञानिकों द्वारा माना जाता है कि यह समुद्र में 4800 मीटर की गहराई तक जा सकती है और यही वजह है कि जिसके कारण यह जीव मनुष्य का आंखों से बहुत ही कम दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों ने इस जीव का स्टडी करना सिर्फ इसलिए शुरू किया क्योंकि उनका मानना है कि यह जीव ज्यादातर बड़े हो सकते हैं। और इसी तरह से कई जानवर समुद्र की गहराई में छुपे बैठे हैं जो अभी तक मनुष्य के आंखों से देखा नहीं गया है और ना ही वैज्ञानिकों आंखों से देखा गया है। तो दोस्तों, ये थे अजीबोगरीब जानवर जो शायद आपने जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।